गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो करवा चौथ का मेरा आधा खाना बन करके कंप्लीट हो गया है। दही वड़े बन गए हैं और केसर वाली खीर भी बन गई है। ये दो चीज़ तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई हैं और अभी मुझे सब्जी भी बनाना है, कढ़ी भी बनाना है, चावल भी मेरा बन गया है। तो आप लोग देख सकते हो सब्जी जितनी भी वेजिटेबल है ना, मैंने सब चॉप्ड करके रख लिया है। बस मुझे छौंका लगाना है और ये बेसन मट्ठा का घोल है कढ़ी बनाने के लिए, और ये है बेसन का डो, इसकी मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। साथ में मैंने चावल और शक्कर भी पीस लिया लड्डू बनाने के लिए। मेरी सारी तैयारी हो गई है और ये देखो मैंने लास्ट में दिखाया था ना, तो अभी मैंने लड्डू भी चावल वाले बना करके रख लिए हैं। और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये तो बिल्कुल भी खाने वाले नहीं है और मैं एक दो से ज़्यादा नहीं खाऊंगी। इसलिए कितने बने हैं आपको गिन कर दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 लड्डू बने हैं और देखते हैं कैसे ये ख़त्म होते हैं, क्योंकि 6 भी ज़्यादा ही मुझे लग रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खाते। और आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा खाना बन करके रेडी हो गया है। सब्जी भी बन गई है और पूड़ी भी बन गई, कढ़ी भी बन गई है और खीर दही वड़ा तो मैंने आप लोग को पहले ही दिखाया था, लड्डू भी मैंने पहले ही दिखा दिया था। बस अभी मैं जाऊंगी तो बाहर चौक बनाऊंगी और फिर मैं रेडी होना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि रेडी होने में आज थोड़ा टाइम लगेगा ना। ऑलमोस्ट पूरी रेडी हो गई, बस फेस का मेकअप रह गया है। तो मुझे लगा था ना कि मैं पहले जो ज़्यादा बवाली वाला काम होता है ना, मैं उसको निपटा लेती हूँ, क्योंकि लहंगा पहनना और मेन हेयर स्टाइल बनाना ये सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। तो मैंने ये सारे काम कर लिया है और अभी बस मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो मुझे लगा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ मेकअप करने वाला। और ये मैंने न्यू ज्वेलरी ही पहनी हुई है। एक्चुअली आज मेरा ना सब कुछ कोरा ही है। ये मैंने नए चूड़ा भी पहने हुए हैं, जो मेरे पहले वाले थे ना वो एकदम सिंपल हैं, ये अभी थोड़ा सा ना स्टोन वर्क वाले चूड़ा हैं। तो सब कुछ मेरा आज कोरा कोरा ही है, करवा चौथ में वैसे भी सब कोरा ही होता है। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ और बहुत सिंपल, मैं बहुत सिंपल मीन्स बहुत कम सामान में रेडी होंगी। मेकअप हैवी हो सकता है क्योंकि करवा चौथ है, थोड़े बहुत तो बनता है। और हाँ, आपको हेयर स्टाइल भी दिखा दूँ कि मैंने कुछ इस तरीके से जोड़ा बनाया हुआ है और ओरिजिनल फ्लावर भी इसमें लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल भी लगे हैं, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है और मुझे हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छी लग रही है। सबसे पहले मैं लैक्मे 9 to 5 की सीसी क्रीम लगा रही हूँ। तो अगर आप लोग छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में जा रहे हो या घर पे ही कुछ हल्का फुल्का वाला ओकेजन है ना, तो सीसी क्रीम बेस्ट रहती है। फाउंडेशन को स्किप करके लगा सकते हो। और जो मैंने आगे ये बाल रोल किए हैं ना, इतना परेशान कर रहे थे, पीछे जा ही नहीं रहे थे। मुझे लगा मैं रेडी होने के टाइम पर तो इनको कान के पीछे कर लेती हूँ, बट ये नहीं जा रहे थे पीछे, एकदम कर्ल हो गए थे ना, तो ये पीछे लग ही नहीं रहे थे। और अभी मैं लगा रही हूँ स्टिक वर्की का कंस सीलर, तो आंखों पे लगा लूंगी। और मैं हाथ से ही आज पूरा मेकअप करने वाली हूँ। मैंने ना कोई ब्रश ले रखा है और ना ही कोई मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले रखा है, मैं पूरा मेकअप हाथ से ही कर लूंगी। और वैसे भी मुझे हाथ सबसे ज़्यादा सुटेबल लगता है। तो बस अभी मैंने कंसीलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हाँ, जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जा करके चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस, अभी पर्पल पे दिवाली सेल चल रही है जिसपे अप टू 50% ऑफ है, एक्स्ट्रा 10% ऑफ है अगर आप लोग कूपन कोड GET100 यूज करते हो। और हाँ, अगर इस टाइम पे आप लोग पर्पल से शॉपिंग करते हो तो Any3 Winner को सैमसंग गैलेक्सी M21 का फोन जीतने का मौका मिल रहा है, जो कि 16,000 का है। काफी अच्छा ऑफर है।
पता है मेरा एक साइड का लैशेज निकल गया था आधा, और पूरे वीडियो में मैंने ध्यान नहीं दिया। और बस अभी मैं काजल लगा लूँगी। आई शेडो के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटर आई शेडो लगाया हुआ था, जो कि सिंगल किट में है। और अभी मैं स्टेक वर्की का ब्लश लगा लूँगी। और ज़्यादा मैंने आज कुछ नहीं लगाया, आप लोगों ने देखा ही। हाइलाइटर भी नहीं मैंने लगाया हुआ था, मुझे लगा आँखों में भी थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर वाला आई शेडो था ना, और ज़्यादा हाइलाइटर की मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने नहीं लगाया। और लास्ट में मैं बस लिपस्टिक लगा लूंगी। और लिपस्टिक के लिए मैं NYV की रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये एकदम प्योर रेड वाली नहीं है, थोड़ा सा डार्क रेड में है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। और मेरा पूरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आप लोग को मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर देना। तो मैं रेडी हो गई हूँ पूरी, और फुल लुक मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखा दूंगी। और कैसी लग रही हूँ आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर मेरा ये लुक पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर देना। और मैंने ऐसे मांग भरी हुई है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा मेरा मन नहीं कर रहा मांग टीका लगाने का, वरना फिर ना ये ढक जाएगा और ये मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो मांग टीका लगा लूँगी ना तो थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस सिंदूर लगाऊंगी। और मेरा पूरा लुक कंप्लीट हो गया है, तो अभी अब बस मैं चलती हूँ पूजा करने। और आज से मैंने इस रूम की पूरी लाइटें, उई ये देखो निकल गया है ये, क्योंकि मैंने दबाने वाली पहन रखी ना, तो अभी मे भी मैंने सही से इसको दबाई नहीं है, तो मैं कैमरा रख दूंगी, इसके बाद फिर इसको सही से दबा लेती हूँ। वरना अभी मैं बाहर आ गई हूँ। सबसे पहले मैं करवा की पूजा करूँगी, और इसके बाद जब चंद्रमा भगवान निकलेंगे तब उनकी पूजा करूँगी, और फिर लास्ट में पतिदेव की पूजा होगी। तो हमारे तरफ कुछ इस तरीके से ही होता है, सबसे पहले करवा की ही पूजा करी जाती है, और हर जगह का ना अलग अलग रिचुअल होता है, अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, और पूजा करने के भी ना तरीके अलग होते हैं। जितनी जगह के अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैं करवा की और जो पेपर में चंद्रमा भगवान रहते हैं उनकी पूजा करूंगी, और बाद में फिर जब रियल वाले चंद्रमा भगवान निकलेंगे तो उनकी पूजा कर लूंगी। और मायके साइड ऐसे ही होता है, ससुराल में तो माँ लोग रहती नहीं थी, तो उधर का तो कोई रिचुअल है ही नहीं। करवा चौथ में तीज सब रहते हैं, बट करवा चौथ माँ लोग नहीं रहती थी, तो मायके साइड में मम्मी लोग भी रहती थी, चाची लोग, और अभी तो भाभी लोग भी सब रहती हैं, तो उधर साइड का ही मुझे पता है कि ऐसे सबसे पहले करवा की पूजा की जाती है, इसके बाद फिर रियल वाले चंद्रमा भगवान की पूजा की जाती है। तो मेरी पूजा हो गई है, और बस अभी चंदा मामा का इंतजार है, तो ये भी कपड़े चेंज करने गए हैं। अभी तक ना इन्होंने कपड़े नहीं चेंज किया था, मुझे बैठ करके देख रहे थे, मैं पूजा कर रही थी। और ये आप लोग देख सकते हो मेरी पूजा हो गई है, और इनकी पूजा वाली थाल भी मैंने सजा कर रखी हुई है। ये मिठाई खिलाने के लिए पहले ये मुझे खिलाएंगे, फिर मैं इनको खिलाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह से भूखी हूँ ना, तो सबसे पहले ये मुझे खिला करके पानी पिलाएंगे। और जो हमारा चंद्रमा भगवान जी का पूजा वाला है ना, ये पूरा इस थाली पे रखा हुआ है सारा सामान, और पूजा हमारी इधर हो गई है। तो अभी ना बहुत सारे फूल थे, ये काफ़ी सारे बच गए हैं फूल इकट्ठे ना, ये कुछ ज़्यादा ही ले आए थे। और पता है सरप्राइज के नाम पे, पता है मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं, मैं आप लोग को बाद में अंदर चल करके दिखाऊंगी। मुझे लगा था कि हो सकता है मे भी कुछ कपड़े उपड़े लेकर के आएंगे या कुछ और लेकर के आएंगे, बोल रहे थे हाँ आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ पक्का लेकर के आऊँगा, तो मैंने सोचा हो सकता है मे भी मेरे लिए कुछ कपड़े उपड़े लेकर के आए। और अभी ये भी रेडी होकर के आ गए हैं, बस हमारे चंदा मामा नहीं आ रहे हैं। इनको भी मैं दिखा दूँ अभी दूर से। ओए हेलो हैंडसम बॉय, हेलो करनो, और क्या इनको देखो कैसे रेडी बैठे हैं। बोल रहे थे ना जब मैं मतलब कपड़े मुझे दिखाना था ना कि मैं क्या लेकर के आई हूँ, तो बोल रहे थे मेरे कपड़े अभी मत दिखाना, जब मैं पहनूंगा ना तब भी फिर मेरे कपड़े सब देखेंगे। और ये कुर्ता पैजामा जो इन्होंने पहन रखा है ना, इसको बोल रहे थे कि बाकी सब दिखा दो बट मेरा कुर्ता पैजामा अभी मत दिखाना। तो अभी हमारे चंदा मामा निकल आए हैं, और अब मैं उनकी पूजा कर ले रही हूँ। आज हमें मेरठ में बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, सारी जगह चंद्रमा निकल आया था, बस मेरठ में नहीं निकला, इवन दिल्ली और नोएडा में भी निकल आया था बट यहाँ नहीं निकल रहा था। तो अभी निकल आया मैं पूजा कर रही।
और अभी हम लोग नीचे आ गए हैं चंद्रमा भगवान की पूजा करके। और चलनी से तो मैंने इनको भी ऊपर देख लिया था, फिर मैंने बोला कि चलो नीचे चलते हैं और अच्छे से पूजा करूंगी नीचे। वैसे तो इस वाली छत से भी अब चंद्रमा भगवान दिखने लगे थे और लाइट ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। फाइनली अभी जा करके हमारी पूजा हो गई है और बहुत लंबा आज हमें चंदा मामा का इंतज़ार करना पड़ा है। इंतज़ार करते करते ना देखो बालों का गजरा भी सूख गया है। 2 से 2.5 घंटे हमें इंतज़ार करना है। और देखो गिफ्ट के नाम पे ये मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, ये देखो ये एक रोज लेकर के आए हैं। देखो रेड चंदन कितना अच्छा लग रहा है, भैया जी स्माइल। रेड चंदन कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ जल्दी जल्दी गर्म करो, कढ़ी तो बड़ी गाढ़ी सी हो गई। नहीं अभी गर्म होगी ना तो फिर पतली हो जाएगी। पनीर ये वाली करनी है कि नहीं? नहीं इसको रहने देते, कर लेते हैं गर्म। कोई बर्तन तो ना, पता है मेन चीज बताऊं ना, इतनी देर तक फास्ट रहने के बाद ना भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी बिल्कुल ही नहीं, ना प्यासी रह गई है ना भूखी लगी है, और पूरा फेस एकदम डर हो गया है। इतनी देर से बैठे बैठे ना मुझे गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि लहंगा के साथ नहीं कर सकती थी। और इन्होंने ना सिर्फ गर्म करने वाला काम किया है, बाकी का पूरा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मेरी थाली लग गई है और हमने बाहर नहीं खाया क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये देखो मैं ऐसे लेकर के बैठी हूँ और ऐसे खाऊंगी खाना, क्योंकि बाहर डाइनिंग टेबल में बैठकर खाने की बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं रह गई थी। आज मेरी कमर भी दुख रही है। दोपहर से ना बहुत देर से किचन में खड़े खड़े और फिर पूजा करना, तैयार होना, बहुत देर तक इधर उधर घूमने से ना क्या हो रहा है, कमर पूरी अकड़ गई है। आई नो ये बुढ़ापे में दिक्कतें आती हैं, बट कभी कभी कितने भी आप जवान हो ना, ज़्यादा देर तक अगर स्ट्रेट खड़े रहते ना, बैठते नहीं है या फिर लेटते नहीं ना, तो कमर दुखने लगती है। और दही बड़ा बहुत टेस्टी बना है वैसे, वड़ा और दही वड़ा कैसे भी हो मुझे अच्छे ही लगते हैं। कम भी टेस्टी रहते हैं तब भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा मन कर रहा है ना मैं और कुछ ना खाऊं, बस यही दही वड़ा खाती रहूं। तो मैं इसको खा लेती हूँ आराम से और अभी अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। तो देखो अभी भी फूल लगा हुआ है, तो मैं खाने के बाद जाऊंगी फेस वॉश करने और ये सब हटाऊंगी, चूड़ा भी उतारूंगी। और चूड़ा पहनने से ना आज मुझे न्यू ब्राइडल वाली फील आ रही है। तो अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और मैं मिलूंगी जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।